नमस्कार दोस्तों, ये टाइपिंग सीरीज में मैं आपको 16 टाइपिंग सैंपल दे रहा हूँ और ये थोड़ा सा लंबा सा टाइपिंग है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसको आप पूरे टाइम में फिनिश करने की कोशिश करें। और कुछ लोग कहेंगे सर ये बहुत लंबा हो गया है, ये टाइम में पूरा नहीं होगा, इतना टफ आता नहीं है, बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो मैं आपको बस ये जानकारी के लिए दूंगा कि लास्ट टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरू का जो टाइपिंग का सैंपल आया था काफी टफ आया था, बड़े बड़े वर्ड थे। ठीक है, तो आप इजी के लिए सोच रहे हैं और मैं आपको इजी दे दूं, आप लाइक करके चले जाएं, खुश हो जाएं, तो ये एक्चुअल में आपके साथ धोखा होगा जो मैं करना नहीं चाह रहा हूं। ये चैनल एक ही वजह से बना हुआ है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको सही गाइडेंस मिले और सही हेल्प मिले। ठीक है, तो आप इसको लाइक चेक करें, डिसलाइक करें, मैं आपको ये बड़ा सा सैंपल दे रहा हूं, आप इसको पूरे 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, टाइपिंग की पूरी तैयारी करें। दूसरी चीज, कोई लोगों को डाउट होगा कि सर कोई ऐसा टफ सैंपल आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, टाइम टफ होता क्या एक्चुअल में? टफ में दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ वर्ड्स थोड़े बढ़ा दें, लंबे लंबे वर्ड्स रख दिया, तीसरी चीज जो आपका डेटा जो होगा थोड़ा मिक्स होगा, कैरेक्टर स्पेशल होंगे, थोड़े डेट वेट होंगे, तो आप इस सबकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप 15 मिनट में 500 की जगह 600 वर्ड टाइप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो भी कोई भी कितना भी बड़ा कितने टफ आ जाए आप उसको पूरा ना कर पाए। यही सही गाइडेंस है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी, आप कितना टाइप करते हैं ये सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, बहुत कम टाइम बचेगा क्योंकि प्रोसेस एक तरह शुरू हो गया है। ठीक है, थैंक यू।